Hello and good morning student. How are you all? I hope कि आप सब fine हो. Standard third subject हिंदी. Welcome to James International School. तो student ready हो study के लिए. तो workbook open कीजिए. और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि I hope कि आप सबको paper मिल गए होंगे. रिवीजन तो आपने लर्न कर लिया होगा, है ना. और आज आपको पेपर भी मिल गए होंगे, कई बच्चों को स्कूल में से लेके आए होंगे, है ना. तो आई होप स्टूडेंट के आप लोग पेपर देखे बिना लिखेंगे, है ना. ओके तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओपन योर वर्क बुक. पेज नंबर 45 ओपन कीजिए. पेज नंबर 45 ओपन कीजिए. चैप्टर नंबर 21 क्या है. चैप्टर नंबर 21 कौन सा नंबर है. हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको. 21 क्या नाम है. हिंदी भाषा, द हिंदी लैंग्वेज. ओके तो हम इसके बारे में कुछ पढ़ाएंगे आपको. तो पहले इसके तो शब्दार्थ है, तो हम शब्दार्थ पहले रीडिंग करेंगे. तो शब्दार्थ में स्टूडेंट क्या है कि प्यारी. प्यारी मतलब डियर, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो हमें घर में सबसे प्रिय होता है. तो डियर, प्यारी मतलब डियर. हमको मतलब अस, यू एस अस. फिर पढ़ना तो एस टी यू डी वाई स्टडी. फिर चाव से, बड़ी चाव से, तो विथ इंटरेस्ट. क्या बोलते हैं उसको, विथ इंटरेस्ट. फिर जन जन मतलब पीपल, लोग होते हैं ना, जन जन मतलब पीपल, लोगों. फिर भाती तो लाइक, जो हमें बहुत भाती है. यह मतलब कि धीस. खुशबू वाली तो स्वीट स्माइलिंग. ओके फुलवारी तो गार्डन. तो हम पहले ये कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके तो स्टूडेंट आपको भी मेरे साथ रीडिंग करना है. ओके देश की प्यारी देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा. पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से. जन जन को हो हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती. सब फूलों की खुशबू वाली फुलहारी खेत हिंदी भाषा. तो स्टूडेंट आई होप कि आपने भी पढ़ लिया होगा. तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देश की प्यारी हिंदी भाषा. तो पहले तो आपको पता होगा कि हमारी मातृभाषा कौन सी है. कौन सी है हमारी मातृभाषा. हिंदी हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज हिंदी है. ओके तो देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा. हमारे देश की सबसे प्यारी और सबसे प्रिय हिंदी भाषा है, जो हमको भी प्यारी है. क्या पारी है आपको, हिंदी भाषा. ओके तो स्टूडेंट आप लोग भी घर पे हिंदी या इंग्लिश बोलते होंगे ना. यस तो पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से. अब क्या है कि हिंदी बड़े चाव से, मतलब कि बहुत इंटरेस्ट है, हिंदी पढ़ते हैं और अपनाते भी है कि हम. और सब कहते भी कि हमें हिंदी बहुत अच्छा लगता है. कोई कहता है नहीं अच्छा लगता, सब सबकी पसंद होती है, ठीक है. पर हमें तो पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से. प्रेम भाव से हमें हिंदी भाषा को अपनाना भी है और अपनाते भी है. जन जन को है हिंदी भाती. जन जन मतलब हर लोग, हर एक एक लोग को हिंदी भाती मतलब हिंदी पसंद है. हर एक एक लोग को हिंदी भाषा पसंद है. यह भारत को एक बनाती.
हिंदी भाषा भारत को एक बनाती है। सब फूलों की खुशबू वाली, मतलब के सब फूलों की खुशबू वाली, सब फूलों से जो सुगंधि आती है ना, वो भी एकदम खुशबू वाली हिंदी भाषा है, मीनिंग्स ओके। फिर फुलवारी है हिंदी भाषा, गार्डन बगीचा है हमारा हिंदी भाषा, क्या है, बगीचा है, जो सबसे हिंदी भाषा सबसे प्यारी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, और एक बार आपको और से फिर से रीडिंग करना है ओके। रीडिंग करने के बाद स्टूडेंट आपको स्वाध्याय करना है, तो आइए स्टूडेंट हम स्वाध्याय देखते हैं एक्सरसाइज के। भाई क्वेश्चन वन, नीचे दिए गए हिंदी शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द लिखो ओके। राइट द इंग्लिश वर्ड्स फॉर गिवन हिंदी वर्ड्स, तो ये वर्ड्स आपको स्टूडेंट एग्जाम में भी आएंगे, हाँ अगले एग्जाम में, इस एग्जाम में नहीं। तो दुलारी, तो दुलारी तो हम क्या लिखेंगे, डी ई ए आर डियर। हमको तो यू एस अश। फिर पढ़ना तो एस टी यू डी वाई स्टडी। फिर चाव, चाव मतलब इंटरेस्ट, आई एन टी ई आर ई एस टी इंटरेस्ट। फुलवारी तो जी ए आर डी ई एन गार्डन। फिर यह तो धीस, टी एच आई एस धीस। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं कि नीचे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो, राइट द आंसर ऑफ आस्केड क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी देश की कैसी भाषा है, तो स्टूडेंट आप अपने आप आंसर लिख पाओगे ओके। चलो मैं लिखवाती हूँ, हिंदी देश की कैसी भाषा है, तो लिखिए स्टूडेंट कि हिंदी देश की प्यारी भाषा है। कैसी भाषा है, हिंदी देश की प्यारी भाषा है। और क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद ये फुल स्टॉप करना आपको भूलना नहीं है, ये पूर्ण विराम है ना, जो हमें क्वेश्चन पूरा होते ही पूर्ण विराम करना होता है, और आंसर ख़त्म करते ही पूर्ण विराम करता है, और क्वेश्चन ख़त्म करते हमें क्वेश्चन मार्क डालना है ओके। ये है प्रश्न मार्क और ये है पूर्ण विराम ओके। फिर क्वेश्चन नंबर टू, लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं, तो लिखिए आंसर कि लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं, आपको ऊपर लाइन खींचनी है हाँ, लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं ओके। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री, हिंदी भाषा क्या काम करती है, तो आंसर लिखिए कि हिंदी भाषा भारत को एक बनाती है ओके। हिंदी भाषा क्या काम करती है, तो हिंदी भाषा भारत को एक बनाती है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा, ये कविता भी समझ में आई होगी। तो आपको स्टूडेंट याद रखना है ठीक है, कि हमारी मातृभाषा कौन सी है, तो हिंदी ओके। फिर अब आपको आपकी सी डब्ल्यू की नोटबुक निकालो, ओपन योर सी डब्ल्यू नोटबुक। सी डब्ल्यू में आज की डेट मेंशन करो, तो स्टूडेंट अभी न्यू मंथ स्टूर हुआ ना फेब्रुवरी, तो सेकेंड डेट और सेकेंड मंथ, फेब्रुवरी मंथ स्टार्ट हुआ है ना। तो अब आपको आज की डेट और डे मेंशन करना है। फिर सी डब्ल्यू में चैप्टर नंबर 21 हिंदी भाषा द हिंदी लैंग्वेज, ऐसे हेरिंग डालना है। हेरिंग डालने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, शब्दार्थ लिखने हैं। तो शब्दार्थ ऐसे एक से एक पैराग्राफ में नहीं लिखूंगे ओके। आपको पहले लिखना है पहली लाइन में प्यारी, तो फिर आएगा डियर, उसके नीचे दूसरी लाइन में हमको, तो यूज़,
फिर उसके नीचे नीचे लाइन में पढ़ना तो स्टडी। ऐसे आपको स्टूडेंट लाइनसर हार्डवर्ड लिखने हैं, शब्दार्थ लिखते हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट में हार्डवर्ड लिखते हो ना, वैसे आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं। फिर शब्दार्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये कविता है जो आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आप स्वाध्याय का हेडिंग डालेंगे कि एक्सरसाइज लिखना है। पहले आप पहले शब्दार्थ लेंगे, फिर आप स्वाध्याय में क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर दोनों अच्छी राइटिंग में CW में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो टेक केयर, थैंक यू।